तो आपका भी कोई सपना है शुरू से? क्या सपना? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, क्या भाई, बहुत बढ़िया भाई। आप जज्बा देखो इस बच्चे का, मतलब पहली बार हम ये चीज़ देखने लग रहे हैं, 11 साल का मतलब बेटा। फिलहाल भाई पे पेटवाड़ गांव महापा और आसपास जो आप जिस तरीके से देखने लग रहे, यानी जितने तिरंगे झंडे आपने देखने लग रहे हैं, मोटरसाइकिल खड़े हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है चारों तरफ, तो एक तरफ अगर देखा जाए उस परिवार के लिए तो बड़ी दुख की घड़ी है भाई। नुका कर रहे हैं उस माँ के लिए जिसका बेटा चला जावे है, उस बहन के लिए जिसका भाई चला जावे है, और ख़ासकर उस पत्नी के लिए जिसका सुहाग चला जावे। लेकिन जिसने भारत माता के लिए यानी भाई इस देश की रक्षा करते करते जो अपने प्राणों की आहुति दे दी, प्राण न्यौछावर कर दिए, तो कहीं ना कहीं जब भी देश का कोई जवान शहीद हुआ है तो देश में एक नुका करें भाई, अक्षति तो ज़रूर हुआ है लेकिन बड़े फ़ख्र की बात हो, गर्व की बात हुआ है कि जिस टाइम वो बॉडी जो है तिरंगा में लिपट के आवा तो गाड़ी खड़ी है गांव थुराना सुधीर पन्नू, जो भाई शहीद हुए हैं अवलदार गांव थुराना से हैं सुधीर पन्नू, और फिलहाल जो है भाई चंडीगढ़ तक एम के रास्ते एम्बुलेंस तक जो है उनकी पार्थिव शरीर और पहुंचने लग रहे हैं। यानी पेटवाड़ गांव तो जस्ट पहला नारनूम तक पेटवाड़ के बीच में स्कूल में जो है गाड़ी आ रही है, अपने फौजी भाई आ रहे हैं, यानी पूरी जो गार्द है जो सलामी दे कर रहे हैं। सात रोड कैंट तक जो गाड़ी आई है वो गाड़ी उरे खड़ी है, आप देखने लग रहे हो। और जिस तरीके से इंतज़ार कर रहा था पूरा गांव भाई कब जो है सुधीर पन्नू का पार्थिव शरीर आओगा, और पूरा गाम राम जो है, जिस तरीके से आप मोटरसाइकिल देखने लग रहे हो, कितने मोटरसाइकिल खड़े हैं, हर मोटरसाइकिल के ऊपर आपने तिरंगा झंडा दिखने लग रहा है, गाड़ियों के ऊपर तिरंगे झंडे हैं। यानी जब भी कोई देश का जवान शहीद हुआ है तो आप हर बार एक ही चीज़ देखो कि हर इंसान का हाथ में एक तिरंगा हुआ है, और कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना तय हर इंसान जो है जुड़ा हुआ है, और गाड़ी खड़ी है यानी उस एम्बुलेंस में तय उनका पार्थिव शरीर एक बार या गाड़ी दिखा दे एम्बुलेंस में, तो उनका जो पार्थिव शरीर है इस गाड़ी में जो सजाई गई है आप देखने लग रहे हो। आगे शहीद अवलदार पन्नू का जो आगे बैनर लगाया गया है, एक बार वो बैनर दिखा दे भाई नज़दीक तक, और चारों तरफ जो है भाई फूलों तक सजाई गई, यानी जिस तरीके से एक राजकीय सम्मान के साथ एक शहीद का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, उसी कड़ी में जो है शहीद अवलदार सुधीर पन्नू उनके जो पार्थिव शरीर और पहुँचने लग रहा है, तो जो तैयारियाँ करी गई हैं यानी फौज की जो एक मान सम्मान होया करे उसी कड़ी में जो तैयारी करी गई है, और जो वेटरन यूनियन है यानी जो पूर्व सैनिक हुए हैं अमरनाथ जी हैं और पूरी टीम जो है भाई ये हर जगह जो है पहुँचे हैं, जहाँ भी मतलब इस एरिया में कोई भी जो फौजी जो है शहीद हुआ हर जगह ये पहुँचे हैं, और गाड़ी तैयार है यानी गार्द की जो पूरी टीम है जो सलामी दिया करे वो टीम तैयार है पहुँचने लगे। अमरनाथ जी एक बार आ जाओ, राम राम जी। तो हर जगह आप देखा जो वेटरन यूनियन है हर जगह आसपास में कोई भी फौजी जब शहीद होगा तो आप पहुँचो, किस तरीके की जानकारी है परिवार में कौन के कुछ है, किस तरीके का मतलब याद? हाँ, ये सुधीर जो पन्नू है ये 23 कैनेडियन में थे और गलवान घाटी में इनकी ड्यूटी थी लेह लद्दाख में। हाँ, लेह लद्दाख में अगली साइड में सिक्किम के साथ में पास में गलवान घाटी, आपने पहले आपने सुना होगा। बिल्कुल, वो जो गाड़ी पलटी थी। हाँ, यस यस, तो ये उसी जगह पर डिप्लॉय थे और बहुत ही अच्छा था, इसके दो लड़की एक लड़का है। और बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत बढ़िया लड़का था। किस तरीके का? इसका बहुत इसका व्यवहार बहुत बढ़िया था, और अभी अचानक वहाँ पर ड्यूटी पर थे, ड्यूटी के दौरान ये उसका बेटा है और ड्यूटी पर जा रहे थे और पेट्रोलिंग के नजारे थे, पेट्रोलिंग में चलते थे, अचानक यह हादसा हुआ है, उस हादसे के अंदर हमारा जो अपना जो सुधीर पन्नू है शहीद हो गया वहाँ पर। बहुत अच्छा लड़का था। तो अभी मतलब पार्थिव शरीर उनका आने लग रहा है? अभी पार्थिव आने में सर नानंद पहुँच गया है, नानंद से 2 मिनट या 5 मिनट में अपने पास में पहुँच जाएगा। पूरा गांव, पूरा आसपास के जितने भी या जितनी जनसंख्या आई हुई है एक शहीद को सम्मान देने के लिए, उसका ताकि इसको एक शहीद का जो एक सम्मान मिलना चाहिए वो देने के लिए यहाँ पर पूरी जनता यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अमरनाथ जी, एक चीज़ है देखो, जिस तरीके का जिस परिवार का सदस्य चला जा हुआ है मतलब उस परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी हुआ है, लेकिन कई बार देखा जब एक फौजी बेटा हुआ है तो कहीं ना कहीं उस परिवार में एक
जो देशभक्ति की भावना आव है, तो पूरा जब समाज, पूरा गांव, आसपास के लोग हैं, आप जैसे पूर्व सैनिक है तो सारा समाज, परिवार और फौजी जब साथ खड़े हुए हैं तो कुछ अलग रहो परिवार के लिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए, आप तो हमारे पास जब भी हमको शहीद होता था, हम जाते रहते, आपको तो पता है। देखिए, जितना जितनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, एक शहीद को मान सम्मान देने के लिए आई है, इससे क्या है, जो शहीद का परिवार है उसको क्या एक हौसला मिलता है, और साथ समाज में इतने होश के साथ, मैं देखो दुख में तो कोई कमी है नहीं, फिर भी एक शहीद जो सैनिक है वो अपने किसी गांव का नहीं है, किसी परिवार का नहीं, पूरे देश का होता है। रही दूसरी बात, हमारे आपको पता ही है, हमारी जितनी भी हमारी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे अपने पता जींद के अंदर पूरे जितने शहीद हैं, शहीदों के नाम से स्कूलों के नाम और उसके साथ साथ में उनकी प्रतिमाएँ बन चुकी हैं, और वही आज हम अपने यहाँ पर प्रशासन भी आएगा ताकि शहीद परिवार को थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए और शहीद का नाम एक हमेशा के लिए सुनहरी अक्षरों में लिखा जाए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई। तो भाई जी, ये बच्चा है, क्योंकि आपने पता है भाई, परिवार के ऊपर तो क्यों हो तो बात आप कर नहीं सकते, लेकिन वही चीज़ है, इस बालक को हौसला देने खातर जो है पूरा समाज, पूरा गांव और पूरा जो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरा जो संगठन है, पूरा जो फौजी हैं, सारे के सारे जो इस परिवार के साथ हैं, इस बच्चे के। अच्छा अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? जतिन। जतिन, उम्र कितनी हो गई आपकी? 11 साल। 11 साल, कौन सी क्लास में पढ़ो आप? 5th, अब 6th में होंगे। अच्छा अच्छा, तो आपको पता है भाई, आपके पिताजी फौजी हैं, तो आपका भी कोई सपना है शुरू से? क्या सपना? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, क्या भाई, बहुत बढ़िया भाई। आप जज्बा देखो इस बच्चे का, मतलब पहली बार हम ये चीज़ देखने लग रहे, 11 साल का मतलब बेटा, हालांकि भाई उस चीज़ की पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता, और अंदर तो जो चीज़ है मतलब वो तो गांव के रहनी भाई बखान भी नहीं कर सकते, लेकिन इस बच्चे का आप हौसला देखो, क्योंकि इस परिवार ने और पूरे समाज ने, पूरा गांव राम ने, पूरा थुराना गांव ने और पूरे हिंदुस्तान ने, मैं कहूँगा, इतना हौसला देने लग रहे हैं इतनी 11 साल की उम्र में, और मतलब जिसका बाप शहीद हो जाए, तो उस बच्चे का आप सपना देखो कितनी बड़ी बात है, और ज़रूर मतलब परम पिता परमात्मा तो दुआ करा भाई इस बच्चे का सपना साकार, और ज़रूर एक दिन यूँ भी फौजी बनेगा, अपने लिए बड़े फख्र की बात हुआ है और बड़े गर्व की बात हुआ है, क्योंकि नुगा करा भाई, मौत एक कड़वा सच है हर किसी के होने, लेकिन तिरंगा में नुकागर भाई, जिसका भाग गणा तगड़ा है नहीं, तिरंगा में वो ही लिपट के है इसका, तो इस परिवार के लिए भी बड़े सम्मान और फख्र की बात है। आप क्या लगा जी? मैं संदीप, छोटा भाई हूँ सुधीर का। अच्छा, सुधीर की। हाँ, कब पता लगा था आपने? मेरे को परसों सुबह सुबह पता चल गया था। लास्ट बार मतलब आपकी बात कब हुई थी सुधीर से? मेरी 24 तारीख को दिन में हुई थी। अच्छा, तो ठीक ठाक मतलब? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत। होली का त्यौहार भी था उस टाइम पे? होली का त्यौहार था। अच्छा। यही पूछने के लिए भी, गांव में कैसा माहौल है, सब ठीक ठाक है? वहाँ सब ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मतलब कब आपने पता चला इस हादसे का? सुबह सुबह, जैसे भी 26 तारीख को सुबह एक यार दोस्त था, उसके कहीं से कॉन्टेक्ट हुए, उसने बताया भी ऐसे ऐसे हो गया, मत चलो भाई। हम भी उसी दिन से लगातार संपर्क, उसी दिन से हम कॉन्टेक्ट में, सभी जो दोस्त हैं वहाँ पे, जवान हैं, सभी से कॉन्टेक्ट होते हैं। सुधीर के परिवार में दो बेटी है। अच्छा, दो बेटी हैं। हाँ, एक छोटा लड़का है 11 साल का, बड़ी लड़की 10th में हुई अभी, और छोटी 8th में। माँ बाप हैं? माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, बिल्कुल हैं। एक ये भाई, और छोटा, इसको आज से नहीं, ये जब से, ये लगा लो अब भी, इसको सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर हुआ है। शुरू से ही जज्बा में? बिल्कुल शुरू से है, सैनिक स्कूल का ज़बरदस्ती। इसके दादा ने बोला, बेटा क्या करेगा, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना दादा, वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ हुआ इसका, बहुत बढ़िया, और अब इसका एडमिशन हो सकता है। देखो, इस टाइम क्या पता डिले हो जाए अब, नहीं तो अगली साल बिल्कुल सैनिक स्कूल में एडमिट करवाएंगे। और ये बिल्कुल आज भी मैं इस, बिल्कुल ये अपने आप आया है यहाँ भी। अच्छा। हाँ, इतना हौसला है इसके। हाँ, इसने बोला, अंकल मैं साथ चलूँगा, मैं चलो बेटा। नहीं, बहुत बड़ी बात, पहले से बोल रहा है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा भाई। बनेगा, जब इतना जज्बा है जरूर बनेगा, और लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं इस बेटे के साथ हैं, पूरा समाज इस परिवार के दुख की घड़ी में इनके साथ हैं। तो अभी कुछ ही टाइम में जो भाई सुधीर पन्नू है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले आ जाओगे, और उनके जो पैतृक गाँव है, गाँव थुराना, जिला हिसार में, उनका जो है राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार कराया जाओगा। जय जवान, जय किसान। भाई सुधीर पाले मदलू, आप लोग बिना मर रहे मर रहे। भाई सुधीर पाले मर रहे, भाई सुधीर पाले मर रहे, भाई सुधीर पाले मर रहे, हमारा वीर जवान मर रहे मर रहे।
तो भाई शहीद जो सुधीर पन्नू उनका पार्थिव शरीर जो है पेटवाड़ गांव के स्कूल में पहुंच गया है और एम्बुलेंस में तो जो है भाई उनका पार्थिव शरीर जो है लेकर जाया जाएगा। जो गाड़ी अपने दिखने लग रही है उस गाड़ी में जो है शहीद सुधीर पन्नू का पार्थिव शरीर जो है लेकर जाया जाएगा। भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के जय हो।